लो आ गया दीपावली का त्योहार। दीपावली का त्योहार एक दिन का नहीं, ऐसा लगता है एक महीने का त्योहार हो। दीपावली से एक दिन पहले से लेकर अगले दो तीन दिनों तक छोटे छोटे त्योहार इस पर्व के उत्साह को खत्म नहीं होने देते। इन्हीं महत्वपूर्ण दिनों में से एक है धनतेरस का पर्व। धनतेरस का नाम सुनते ही लोग केवल इतना जानते हैं कि ये पर्व दीपावली से दो दिन पहले मनाया जाता है और इस दिन नए बर्तन खरीदे जाते हैं। लेकिन क्यों मनाते हैं ये पर्व और क्यों है इस दिन बर्तन खरीदने का रिवाज, क्या जाना है आपने? धनतेरस माँ लक्ष्मी से जुड़ा पर्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी ने एक गरीब किसान को वरदान दिया था और हमेशा के लिए उस पर लक्ष्मी कृपा बरसाते रहने का वचन दिया था। ये दिन यमदेव को भी समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यमराज के निमित्त दीप दान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से उस परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती। अन्य कथाओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी, जिन्हें चिकित्सा का देवता भी कहा गया है, जब वे प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। अन्य मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। लेकिन यदि आप धनतेरस पर बर्तन खरीद रहे हैं तो चांदी के बर्तन खरीदें। ये अत्यधिक शुभ माने गए हैं, लेकिन चांदी संभव ना हो तो आप कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं। धनतेरस पर चांदी के बर्तन या जेवर खरीदने के पीछे एक और मान्यता भी है। माना जाता है कि ये चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और इसी दिन चंद्र का हस्त नक्षत्र भी है। इस दिन लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस पर विशेष कर लोग माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का ही पूजन करते हैं। आप माँ लक्ष्मी के किसी भी सरल मंत्र अथवा बीज मंत्र का 108 बार जाप करके उन्हें भोग लगाएं। लक्ष्मी जी अवश्य आप पर कृपा बरसाएंगी।